असलकुम किसान भाइयों मक्की के हवाले से एक नई वीडियो के साथ आपकी ख़िदमत में हाजिर हूँ महकमा जरात का कहना है कि मौसम बहार और खरीफ में बहारिया मक्की की काश से गला दार अजनास की पैदावार में खातर खा इजाफा किया जा सकता है जबकि बहारिया मौसम में मक्की की तरक्की दादा सिंथेटिक और दोगली अकसाम का अगली फसल के लिए शानदार बीज आसानी से तैयार करने में मदद मिल सकती है लिहाजा काश्तकार फरवरी के आखिर तक बहारिया मक्की की काश्त मुकम्मल कर लें ताकि उन्हें अच्छी पैदावार का हसूल यकीनी हो सके महकमा ज़रात के तर्जमान ने काश्तकारों के नाम पैगाम में कहा है कि मक्की की काश्त के लिए भारी मीरा ज़मीन का इंतब किया जाए जो कि पानी बखूबी जजब करने की सलाहियत रखती हो उन्होंने कहा है अगर ड्रिल या प्लान्टर के साथ हमवार खेत में फसल काश्त करनी हो तो काश्तक 12 से 15 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल करके उसी वतर में करें और अगर वटों पर काश्त करनी हो तो फिर ट्रैक्टर के साथ वटें बनाकर 8 से 10 किलोग्राम बीज का एक एक दाना मुनासब फासला पर लगाकर पानी लगाएं लेकिन पहला पानी लगाने में एहतियात करें कि पानी ज़्यादा ऊँचा वटों पर ना चढ़ जाए वरना उगाओ मुता हो सकता है या फिर वटों को पानी लगाकर मक्की के बीज का एक एक दाना पानी की रेज पर लगाएं इस तरह बीज का उगाव बेहतरीन होगा और फसल से मतलूबा पैदावार हासिल हो सकेगी उन्होंने बताया है कि मक्की की काश्त के लिए भारी मीरा ज़मीन जो पानी को बखूबी जजब कर ले और उसकी पी एच सात से पाँच के करीब हो नहायत मौजू हैं उन्होंने कहा है कि मक्की की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की सतह हमवार होना बहुत ज़रूरी है खेल और वटें बनाने से पहले यानी कि ज़मीन को लेजर कर लें ताकि पानी एक जैसा लगे क्योंकि इस मौसम में ज़्यादातर मक्की वटों पर काश्त की जाती है इसलिए अगर खेत हमवार नहीं होगा तो पानी लगाने से कहीं तो पानी वटों के ऊपर चढ़ जाएगा और कहीं नीचे रह जाएगा बेहतरीन नतज के लिए ज़रूरी है कि आप वटों और खेलियों में पानी लगाकर मक्की काश्त करें और दाने का मुनासिब फ़ासला रखें जिसके ज़रिए अच्छी पैदावार ली जा सकती है ज़रात के मतलब किसी तरह की भी मालूम जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर किसी भी तरह की मालूम ले सकते हैं अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहूँगा हाफ़िज।